क्या आप कभी डकोटा गए हो? डकोटा एक खूबसूरत बिल्डिंग है न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क में, अपने काले अतीत के साथ। मशहूर गायक जॉन लेनन का मर्डर भी यही हुआ था। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि उनकी आत्मा अभी भी यहाँ भटकती है। जब वो जिंदा थे तब उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी आत्मा को यहाँ देखा है और अक्सर वो हॉलवे में एक आत्मा की रोने की आवाज सुनते हैं। ये बिल्डिंग 1880 में बनी थी। ये सबसे पहली बिल्डिंग थी इस जगह की। काफी सारे लोग यहाँ रहे और मरे। एक मजदूर का दावा है कि उसने यहाँ किसी भूतिया शख्स को देखा था जिसका जिस्म एक आदमी जैसा था और चेहरा बच्चे जैसा था। आज भी लोग यहाँ किसी बच्ची को खिड़की पर खड़ा हुआ देखते हैं। एक शख्स ने बताया कि उसने अपने अपार्टमेंट में खिड़की के बाहर से जब वो गली में था तब झूमर में लाइट जलती हुई देखी, जबकि उसके अपार्टमेंट में झूमर था ही नहीं। अब इसमें कोई भी हैरानी नहीं होगी कि ये एक हॉरर मूवी के लिए परफेक्ट लोकेशन हो सकती है। 1968 में रिलीज हुई रोजमरीज बेबी हॉरर मूवी इसी जगह बनी है। कहा यह भी जाता है कि ये मूवी शापित साबित हुई उन लोगों के लिए जिन्होंने इस मूवी पर काम किया। मूवी के रिलीज के बाद से अजीब अजीब सी चीजों का सामना करना पड़ा। मूवी के रिलीज होने के बाद मूवी के थीम कंपोजर जिन्होंने ललबाई सॉन्ग को कंपोज किया था, उनकी हेड इंजरी के कारण उनकी मौत हो गई। उनकी उम्र बस 37 साल ही थी। मूवी के प्रोड्यूसर विलियम कैसल वो परेशान रहने लगे और उन्हें पथरी की बीमारी भी हो गई, जिसके चलते वो अस्पताल में भर्ती भी हुए और मूवी के ही डायलॉग की तरह के रहे थे, चाकू नीचे फेंको, चाकू नीचे फेंको। इसके बाद उन्होंने कोई भी हिट मूवी नहीं दी। और मुझे नहीं लगता लोग रोमन पोलांस्की के बारे में नहीं जानते होंगे। ज्यादातर लोगों को मेंशन फैमिली मर्डर्स के बारे में पता होगा, और नहीं तो कमेंट करना, उस पर एक वीडियो बना देंगे।